हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए ब्रह्मोज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस सिस्टम इंजीनियर्स की वैकेंसी आई हुई है। इधर आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम इंजीनियर्स हैं, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बीटेक स्टूडेंट्स को मांगा हुआ है, बीई बीटेक स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे आपका पहला है सिस्टम इंजीनियर्स, तो इसमें जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन है मैकेनिकल, ईसीई और ईईई ट्रिपल ई वाले कैंडिडेट्स के लिए है, और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीसी से रिलेटेड ही है कि फर्स्ट क्लास होना चाहिए इनका बीई बीटेक में, और साथ ही साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाई के बाद, बीटेक के बाद। और इनका एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, रेप्यूटेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजिंग, प्रेफरेबली इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन फील्ड में इनका एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें टोटल 18 पोस्ट आई है, जिसमें से 9 पोस्ट मैकेनिकल के लिए है और 9 पोस्ट जो है ईसी और या ट्रिपल ई के लिए है। जो जॉब लोकेशन वो हैदराबाद, नागपुर और पिलानी, तीनों में से किसी भी जगह पे हो सकता है। जो दूसरी पोस्ट है वो भी सिस्टम इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो है देखिए बी बीटेक तो उसी सब्जेक्ट में मांगा है, मैकेनिकल ईसी और ट्रिपल ई में, लेकिन जो इसमें इनकी जो प्रिफरेंस है, क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस जो मांगा है वो क्वालिटी एश्योरेंस का मांगा हुआ है। पहला वाला प्रोडक्शन में था, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस का है या क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। तो इसमें टोटल 4 पोस्ट है, 2 मैकेनिकल के लिए और 2 जो है ईसी या ट्रिपल ई के लिए है। इसकी भी जॉब लोकेशन जो है हैदराबाद, नागपुर और पिलानी में है। तीसरी पोस्ट भी सिस्टम इंजीनियर की है, और इसमें जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन है वो कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए है। तो इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, साथ ही साथ 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और कुछ ये चीज़ें हैं जो स्किल इनको पास होना चाहिए, जैसे कि प्रोफिशिएंसी इन सी, सी प्लस, पाइथन, यूज ऑफ डिजाइन पैटर्न, साथ ही साथ जीयूआई डिजाइन एंड क्यूटी एंड एप्लीकेशन डिजाइन, प्रिपेयरिंग एंड फॉर्मुलेटिंग सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, साथ ही साथ एसक्यूएल 1 नंबर, एसक्यूएल डेटाबेस, ये सब जो है इसका रिक्वायरमेंट है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 2 हैं, और एक दोनों पोस्ट सीएससी और आईटी के कैंडिडेट के लिए फिक्स है, और जिसकी जॉब लोकेशन जो है हैदराबाद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसी है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आप देख सकते हैं कि हैदराबाद, नागपुर और पिलानी वर्क सेंटर होंगे, और एज लिमिट मांगा है मैक्सिमम 28 इयर्स। कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स बॉर्न ऑन और आफ्टर जो 1 जून 1994 के बाद पैदा हो वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी, जो आप जो भी कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो उनको शुरू में जो है 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, 4 मंथ्स का जो है देखिए मैंडेटरी ट्रेनिंग दी जाएगी 4 मंथ्स की, और जब ट्रेनिंग के दौरान जो है उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा 50,000 रुपये पर मंथ का। उसके बाद यदि आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एज ए सिस्टम इंजीनियर अपने यहाँ बेसिक पे रख लेंगे। जो शुरुआत करेंगे बेसिक पे का 60,700 रुपये से होगा, जो कि आगे चल के 1,09,740 तक जा सकता है। तो टोटल जो सीटीसी ये कह रहे हैं 16 लाख पर एनम का देंगे, तो मतलब बहुत ही अच्छा पैकेज दे रहे हैं। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई यहाँ जाके कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए वेबसाइट है www.brahmoz.com/career.php पे, और यहाँ से जो है आप फॉर्म डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करिए, और इसको जो है या तो आप बाय स्पीड पोस्ट, कुरियर या बाय हैंड के द्वारा यहाँ पे आपको भेजना है। द चीफ जनरल मैनेजर ब्रह्मोज एयरोस्पेस, ये दिल्ली कैंट, नई दिल्ली का स्पेस है, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की है 21 जुलाई 2022 है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि जो बी बीटेक होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए, और साथ ही साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें जो आपको चीज़ें अटैच करनी होंगी, पहला तो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल के लिए, फिर क्वालिफिकेशन पूरा लिखना है उसमें, डेट एंड वाली एक्सपीरियंस भी मेंशन करना है, लास्ट सैलरी आपने क्या उठाई वो मेंशन करना है, साथ ही साथ पेस्ट ऑफ फोटो पेस्ट करना है, और जो भी सेंसल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, लेटर्स, लास्ट सैलरी स्लिप, ये सारी चीज़ें लगानी है, और साइंड एप्लीकेशन को वहाँ पे यहाँ जमा करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी है, तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे मेल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी है। अब आइए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है ब्रह्मोज एयरस्पेस, brahmoz.com की। इसमें आप देख सकते हैं न्यू रिक्रूटमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो न्यू रिक्रूटमेंट पे जाइए। आप जब क्लिक करते हैं तो इस तरह से कुछ चीज़ें लिख के आ रही है, जिसमें लिख रहा है, ये कह रहा है कि ये पूरा जो ये इसके बारे में थोड़ा दे रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इंटरव्यू के द्वार के आधार पर ही उनका चयन किया जाएगा, ठीक है। तो ये है, यदि आप एग्री करते हैं तो एग्री करिए,
एग्री करने के बाद आपको जो है ये करंट ओपनिंग्स का फाइल खुल जाएगी, जहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। लोकेशन दे रखा है, लास्ट डेट दे रखा है 21 जुलाई। हम यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है ये वर्ड की फाइल है, आप ये देख सकते हैं। इसको भरना है, इसको भरिए, नेम ऑफ द पोस्ट डालना है, क्या है आपका स्पेशलाइजेशन से चेक करना है, कैंडिडेट हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब डालना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें एड्रेस वगैरह है, फिर क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल डिटेल है वो देना है, लैंग्वेज नोन, फिर एक्सपीरियंस के बारे में है, एक्सपीरियंस के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट, साथ ही साथ 2 रेफरेंसेस भी देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर करके डेट और प्लेस डाल के आपको करना है। यहाँ चेक लिस्ट भी दिया हुआ है कि आपने क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं, लास्ट डेट दे रखा है 21 जुलाई 2022। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ जॉब रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।